हेलो दोस्तों, तो फिर से इमामी ईस्ट बंगाल एफसी को हार का सामना करना पड़ा शक्तिशाली एटीके मोहन बगान एफसी के खिलाफ। तो दोस्तों, ये लगातार एटीके मोहन बगान एफसी का पांचवी जीत है इमामी ईस्ट बंगाल एफसी के खिलाफ, और डूडन कप में पहला 3 पॉइंट लेने में जुआन फिरांडो की टीम एटीके मोहन बगान एफसी कामयाब रही। और वहीं इमामी ईस्ट बंगाल एफसी अभी फिलहाल 2 पॉइंट में ही है 3 मैच खेलने के बाद, और अभी भी डूडन कप में अपना पहला गोल खोज रही है कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की टीम इमामी ईस्ट बंगाल एफसी। तो दोस्तों, मैच शुरू होता है और पहले 10 मिनट में किसी भी टीम से हमें अटैक देखने को नहीं मिलती, और लगातार इमामी ईस्ट बंगाल एफसी के डिफेंडर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे इस मैच में। और दोस्तों, एटीके मोहन बगान एफसी लगातार बिल्डअप फुटबॉल खेल रहे थे और लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे एटीके मोहन बगान एफसी के अटैकर्स ईस्ट बंगाल एफसी के डिफेंस के ऊपर, लेकिन ईस्ट बंगाल एफसी के डिफेंडर्स ने लाजवाब प्रदर्शन किया है इस मैच में। रॉक सॉलिड डिफेंस लग रही थी इमामी ईस्ट बंगाल एफसी का इस मैच में। स्पेशलिस्ट चेरिलम्पुस किरियाकू का तारीफ करना पड़ेगा, लेफ्ट फ्लैंक पे आशिक कुरिनियन और हुगो बुमो को अकेले ही रोक दिया था चेरिलम्पुस किरियाकू ने, और उसके अलावा भी इवान गोंजालेस और लालुन चुंगा का प्रदर्शन इस मैच में काफी अच्छा रहा। और इसी तरह एटीके मोहन बगान एफसी फर्स्ट हाफ में प्रेशर बनाती रही, और फर्स्ट हाफ के अंत के समय में ठीक 45वें मिनट में एटीके मोहन बगान एफसी को कॉर्नर मिलता है और लिस्टन कोलासो फर्स्ट पोस्ट पे वो कॉर्नर को रखते हैं, लेकिन इलियांद्रो नाकामयाब रहते हैं उस कॉर्नर को क्लियर करने में, और सुमित पासी के पैरों पर लगकर डिफ्लेक्ट होकर इमामी ईस्ट बंगाल एफसी को गोल कंसीड करना पड़ता है। और दोस्तों, फर्स्ट हाफ इसी तरह खत्म होता है, एटीके मोहन बगान एफसी लीड में आ जाती है, और सेकेंड हाफ शुरू होते ही कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन 3 चेंजेस करते हैं। अनिकेत यादव, डेब्यूटांट हिमांशु जंगरा और क्लेटन सिल्वा जैसे अटैकर्स को मैदान में उतारते हैं, और 48वें मिनट में अनिकेत यादव को वॉली लेने का मौका मिलता है, लेकिन दोस्तों वो वॉली बा पोस्ट पे जाके टकराती है, और उसके बाद फिर से एटीके मोहन बगान एफसी लगातार प्रेशर बनाती जा रही थी इमामी ईस्ट बंगाल एफसी के डिफेंडर्स के ऊपर, लेकिन लगातार इवान गोंजालेस, चेरिलम्पुस किरियाकू और दोस्तों यंग इंडियन डिफेंडर लालुन चुंगा ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है एटीके मोहन बगान एफसी के खिलाफ। और इसी तरह सेकेंड हाफ भी खत्म होता है और फिर से एटीके मोहन बगान एफसी ने इमामी ईस्ट बंगाल एफसी को हरा दिया है कोलकाता डर्बी में 1-0 से। तो दोस्तों, कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को लेकर छोटा सा मेरा एक क्वेश्चन है कि आप सिर्फ डिफेंड नहीं कर सकते, आपको अटैक में भी जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां पर हम देख सकते थे इस मैच में कि कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का प्लान बी सी था ही नहीं, सिर्फ डिफेंड किए जा रहे थे कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के प्लेयर्स। तो दोस्तों, यहां पर जुआन फिरांडो भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होंगे कि इतनी बढ़िया टीम लेकर आप सिर्फ 1 गोल के मार्जिन से जीत रहे हो, और वो भी गोल आता है एक डिफ्लेक्शन के तौर पे, तो यहाँ पर चिंता का विषय है कोच जुआन फिरांडो के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।